हेलो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब फॉर माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 11th आर्ट्स हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 चालकोलिथिक विलेजेस इन इंडिया, इसके क्वेश्चन आंसर्स की टेक्सटबुक में मार्किंग करेंगे और आंसर्स को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चालकोलिथिक किसको कहते हैं? तो चालकोलिथिक एक पीरियड था जिसमें स्टोन, ब्रोंज या कॉपर वगैरह जो है वो यूज किया जाता था। आइए इसके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंस नंबर 1 ऑन वन ऑफ द सिमेट्री एच पॉट्स डेड ह्यूमंस आर सीन कैरीड बाय डैश इन देयर स्टमक। तो इसका आंसर है पीकॉक। सेकेंड है, द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस शोज द बालाथल वॉज अ सेंटर ऑफ मास प्रोडक्शन ऑफ डैश। तो इसका आंसर है अर्दन पॉट्स। थर्ड, परमानेंट विलेजेस ऑफ फार्मर्स वर फर्स्ट एस्टेब्लिश इन महाराष्ट्र बाय डैश पीपल। तो इसका आंसर है मालवा पीपल। फिर बी है, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर। तो इनकरेक्ट पेयर इसमें सावलता कल्चर का जो था वो इनकरेक्ट था, उसका आंसर है बालाथल। तो ये सही जवाब है। नेक्स्ट आपको है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ रीजन। पहला है, हरप्पन पीपल हैड टू माइग्रेट। पेज नंबर 21 पे इसका आंसर है। आइए पेज नंबर 21 पे चलते हैं। सेकंड का फर्स्ट, ये देखो ये जो हाइलाइटेड है ये लिखेंगे, व्हेन द मैच्योर दैट इज अर्बन हरप्पन सिविलाइजेशन कोलैप्स्ड कंप्लीटली द पीपल ऑफ लेट हरप्पन कल्चर who had settled on the ruins of mature Harappan city had to migrate elsewhere. जब mature Harappan civilization collapse हो गया, पूरी तरह से ख़त्म हो गया, तो जो late Harappan culture था, जो mature Harappan cities के ruins पे settle हुआ था, उनको दूसरी तरफ migrate होना पड़ा। The urban Harappans and the late Harappans dispersed. Urban Harappan और late Harappan बिखर गए, dispersed हो गए। Wherever these people reached, जहाँ भी ये पहुँचे, new rural cultures came into being. नए नए rural cultures सामने आने लगे और फिर आगे 10 करके जो है वो आप अपना question लिख देंगे। Let us move on to the next question. देखिए next question क्या है हमारा? People of Malwa culture were the first farmers of Maharashtra. Maharashtra के first farmers Malwa culture के लोग थे, ये अभी हमने थर्ड फिल इन द ब्लैंक में भी पढ़ा। इसका आंसर है पेज नंबर 24 पे। आइए पेज नंबर 24 पे चलते हैं। सेकंड का सेकंड, देखिए यहाँ से जो अंडरलाइन आप देख रहे हैं ये इसका आंसर है। द पीपल ऑफ मालवा कल्चर रीच्ड महाराष्ट्र अराउंड 1600 BCE। 1600 BCE के आसपास मालवा कल्चर के लोग महाराष्ट्र पहुँचे। परमानेंट विलेजेस ऑफ फार्मर्स वर फर्स्ट एस्टेब्लिश इन महाराष्ट्र बाय द मालवा पीपल। पहला जो परमानेंट विलेज था महाराष्ट्र में, वो भी मालवा पीपल ने ही एस्टेब्लिश किया था। दे वर द फर्स्ट फार्मर्स ऑफ महाराष्ट्र। आफ्टर अराइविंग इन महाराष्ट्र दे केम इन टू कॉन्टेक्ट विद द नियोलिथिक पीपल। जब ये लोग महाराष्ट्र में आए तो नियोलिथिक लोगों के कॉन्टेक्ट में आए जो कि कर्नाटका में रहते थे। It resulted into a few changes in the pot making technology of Malwa people. जब ये लोग Neolithic people के contact में आए तो इनका जो pot making process था वो थोड़ा सा change हुआ। As far as shapes of the pots and designs are concerned, उसकी shapes और designs change हुए। फिर 10 करके हम आगे अपना जो question है वो question हम लोग लिख देंगे। 10 people of Malwa culture were the first farmers of Maharashtra. क्वेश्चन नंबर 3 में ओन ओपिनियन है, ये आप खुद से करेंगे। ओन ओपिनियन जो भी आप लिखना चाहे इससे रिलेटेड लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, राइट शॉर्ट नोट्स। इसमें नंबर 1 है बनास कल्चर, और बनास कल्चर भी पढ़ते हैं। पेज नंबर 21 और 22 पे इसका आंसर है, ठीक है। पेज नंबर 21 और 22 पे। उसके बाद नेक्स्ट मालवा कल्चर है जो कंटिन्यूएशन में 23-24, और फिर क्या था कल्चर 23। तो एक एक करके करते हैं। पहले बनास कल्चर 21-22, पेज नंबर 21-22 पे फोर्थ का फर्स्ट। देखिए यहां से शुरू है हाईलाइटेड,
द चालकोलिथिक कल्चर इन इंडिया जनरली बिलोंग टू द पोस्ट हड़प्पन पीरियड. चालकोलिथिक जो था वो पोस्ट हड़प्पन मतलब हड़प्पा के बाद के लोगों को बिलोंग करता है. हाउएवर द आहार और बनास कल्चर इन द मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान वॉज कंटेम्प्ररी टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन. लेकिन आहार या जिसे बनास कल्चर भी कहते हैं जो राजस्थान के मेवाड़ एरिया से बिलोंग करता था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का कंटेम्प्ररी था मतलब उसके साथ साथ ही चल रहा था. बालाथल एंड गिलूंद नियर उदयपुर आर द इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ आहार कल्चर. ये दोनों आहार कल्चर की इम्पॉर्टेंट साइट्स थी. फिर है यहाँ से लिखिए इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर एट आहार नियर उदयपुर सो इट वॉज नेम्ड एज आहार कल्चर क्योंकि आहार नाम की जगह पर डिस्कवर हुआ तो उसका नाम आहार कल्चर रख दिया. आहार इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ आहार और ये आहार नदी के किनारे पे है. अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर बनास सो इट इज ऑल्सो नोन एज बनास कल्चर. इसलिए अब क्योंकि ये बनास नदी के पास था तो इसके लिए बनास कल्चर भी इसका नाम पड़ गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट जो नोट्स था वो था मालवा कल्चर 23 और 24 पेज नंबर 23-24 पे इसका आंसर है. देखिए यहाँ से लिखेंगे द नेम मालवा टेल्स अस दैट जो हाईलाइटेड है उतना ही लिखना है. द नेम मालवा टेल्स अस दैट दिस कल्चर ओरिजिनेटेड एंड स्प्रेड फर्स्ट इन द मालवा रीजन. नाम से ही पता चलता है कि ये मालवा रीजन में शुरू हुआ. मालवा कल्चर एग्जिस्टेड इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग 1800 to 1200 BCE. मध्य प्रदेश में इस टाइम पे इस ड्यूरेशन में इस सेंचुरी में ये एग्जिस्ट करता था 1800 से 1200 में. नवादा टोली सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ नर्मदा. नर्मदा रिवर पे ये जगह थी. इज एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ मालवा कल्चर. नवादा टोली सिचुएटेड ऑन द रिवर नर्मदा इज एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ मालवा कल्चर. ये नवादा टोली जो है वो मालवा कल्चर की इम्पॉर्टेंट साइट थी. फिर यहाँ तक लिखने के बाद आप पेज नंबर 24 पे ये वाला जो हाईलाइटेड पोर्शन है इतना लिखेंगे द पीपल ऑफ मालवा कल्चर रीच्ड महाराष्ट्र अराउंड 1600 BC. अभी मैंने पढ़ा है आपको. परमानेंट विलेजेस ऑफ फार्मर्स वर फर्स्ट एस्टेब्लिश इन महाराष्ट्र बाय द मालवा पीपल दे वर द फर्स्ट फार्मर्स ऑफ महाराष्ट्र. ये लोग महाराष्ट्र के फर्स्ट फार्मर्स भी थे. चलिए फोर्थ के थर्ड पे जाते हैं. फोर्थ का थर्ड हमारा है कैथा कल्चर और कैथा कल्चर पेज नंबर 23 पे इसका आंसर है. पेज नंबर 23 पे जाएंगे फोर्थ का थर्ड. देखो ये वाला जो पैराग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक. कैथा इज अ साइट सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर नोन एज छोटी काली सिंध. इस नदी पे ये साइट है. एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर फ्रॉम उज्जैन इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में उज्जैन से 25 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये साइट है. कैथा कल्चर वॉज कंटेम्प्ररी टू द हड़प्पा सिविलाइजेशन. ये भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का प्रेजेंट टाइम का है कंटेम्प्ररी है. द पीपल ऑफ कैथा कल्चर सब्सिस्टेड ऑन एग्रीकल्चर. कैथा कल्चर के लोग एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री पे बेस्ड थे मतलब यही काम वो लोग करते थे. दे मेनली यूज हैंडमेड पॉट्स एंड माइक्रोलिथ्स. ये लोग हाथ के बनाए हुए पॉट्स या माइक्रोलिथ. माइक्रोलिथ एक तरह का स्पीयर होता है जिसके आगे ट्राइंगल शेप स्टोन का लोग लगाते हैं ये यूज करते थे. फिर आर्टिफैक्ट्स लाइक कॉपर एक्सेस बैंगल नेकलेसेस मेड ऑफ बीड्स. बीड्स जो होता है स्टोन टाइप जो होता है आर्टिफिशियल जो डायमंड्स वगैरह भी हम लोग यूज करते हैं प्लास्टिक के उसको बीड्स कहते हैं. ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड स्मॉल डिस्क बीड्स ऑफ स्टेटाइट. स्टेटाइट जो है वो मिनरल टॉल्क होता है उसका बनाया जाता है. वर फाउंड इन द कैथा हाउसेस. पीपल ऑफ कैथा कल्चर एंड हड़प्पन कल्चर सीम टू हैव बीन इन कॉन्टेक्ट मच बिफोर द राइज ऑफ हड़प्पन सिटीज. हड़प्पन सिटीज के राइज होने से पहले ही कैथा कल्चर और हड़प्पन कल्चर का आपस में जो है वो कॉन्टेक्ट हो चुका था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है राइट अबाउट द चालकोलिथिक कल्चर इन गुजरात विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स. अब यहाँ पे देखो पॉइंट है पीरियड मीन्स ऑफ लिवलीहुड ज्योग्राफिकल स्प्रेड और एविडेंस ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्ट विद अदर पीपल. ये चारों आंसर पेज नंबर 24 पे एक के बाद एक है. बस आपको करना ये है कि पीरियड लिख के एक पैराग्राफ लिखना है फिर मीन्स ऑफ लिवलीहुड लिख के दूसरा फिर ज्योग्राफिकल स्प्रेड लिख के तीसरा पैराग्राफ और एविडेंस ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्ट विद अदर पीपल लिख के चौथा पैराग्राफ. तो पेज नंबर 24 में आइए मैं आपको समझाता हूँ. देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आंसर है. तो हम लिखेंगे द चालकोलिथिक सेटलमेंट इन गुजरात कोइंसाइड विद द फॉलोइंग फेजेस ऑफ द हड़प्पन कल्चर. कोइंसाइड का मतलब होता है एक साथ हुआ. सबसे पहले अर्ली हड़प्पन फेज है जो 3950 से लेकर 2600 BCE में था. सेकेंड है आपका मैच्योर या अर्बन फेज
जो 2600 से 1900 BCE में था, और फिर तीसरा है पोस्ट हड़प्पन फेज जो 1900 से 900 BCE में था। तो ये फिफ्थ के ए का कंप्लीट हुआ। अब फिफ्थ का बी लिख के आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। देर आर एम्पल सोर्सेज ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन इन गुजरात, सेमी प्रीशियस स्टोन बहुत सारे गुजरात में थे। मेकिंग बीड्स ऑफ दीज स्टोन वॉज अ बिग इंडस्ट्री ड्यूरिंग हड़प्पन टाइम, हड़प्पन टाइम पे इन स्टोन से बीड्स बनाना, मनके बनाना बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री था और बिग इंडस्ट्री था। द नियोलिथिक सेटलमेंट इन गुजरात प्लेड अ मेजर रोल इन प्रोक्योरिंग दीज स्टोन्स। पीपल रिसाइडिंग इन द नियोलिथिक सेटलमेंट ऑफ गुजरात वर मेनली पेस्टोरल, पेस्टोरल का मतलब होता है दैट इज पीपल हुज प्राइमरी ऑक्यूपेशन वॉज एनिमल हस्बेंड्री, यानी जानवर पालना, कैटल रियरिंग वगैरह ये लोग करते थे। तो ये आपका बी का, फिफ्थ का बी हो गया। फिर फिफ्थ का सी लिख के आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। देर आर रीजनल वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चालकोलिथिक कल्चर ऑफ गुजरात, गुजरात के हर रीजन में चालकोलिथिक कल्चर में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन या चेंजेस देखने को मिलता था। द चालकोलिथिक पॉटरी ऑफ कच्छ, चालकोलिथिक में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे कच्छ या सौराष्ट्र और नॉर्दर्न गुजरात में, आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, थे तो सभी मिट्टी के बर्तन बनते सभी गुजरात में थे, लेकिन रीजन अलग होने की वजह से उसके अंदर आपको डिस्टिंक्शन या डिफरेंस दिखता था। द चालकोलिथिक विलेजेस इन कच्छ सौराष्ट्र वर अबेंडेंड बाय 1900 BCE, उसके बाद उसको अबेंडेंड कर दिया गया 1900 BCE में। और लास्ट जो फिफ्थ का डी लिख के आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इन द पोस्ट हड़प्पन पीरियड देर वर टू चालकोलिथिक कल्चर इन गुजरात, पोस्ट हड़प्पन पीरियड के बाद दो चालकोलिथिक कल्चर गुजरात में थे। द कल्चर इन साउथ गुजरात वॉज नोन एज प्रभास कल्चर एंड द वन इन नॉर्थ ईस्टर्न गुजरात वॉज नोन एज रामपुर कल्चर। द पॉटरी ऑफ दीज चालकोलिथिक कल्चर वॉज एकीन टू, एकीन का मतलब होता है सिमिलर टू लेट हड़प्पन पॉटरी विद रिगार्ड्स टू द कलर, कलर देख लो या शेप देख लो या डिज़ाइन देख लो, इसमें ये जो गुजरात की दोनों रीजन्स की पॉटरी थी वो हड़प्पन पॉटरी से मिलता जुलता था। दीज कल्चर एग्जिस्टेड टिल 1800 टू 1200 BCE, ये कल्चर 1800 से 1200 BCE में एग्जिस्ट करता था। तो यहाँ पर बच्चों इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग और आंसर्स एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये सारे आंसर्स अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।